इसको दिया नहीं, वो चिंता के विषय पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए। भय का माहौल, हिंसा का माहौल कब तक चलेगा? जनता बहुत समझदार है, वो अगर जिम्मेवारी सौंपती है, विश्वास करती है, तो अगर आपका लोकतंत्र में ना घमंड का स्थान है, ना अहम का स्थान है, ना अभिमान का स्थान है, वो जानती किस प्रकार से फैसले करना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस रूप में वो लोग आज पंडित जनों के बारे में बात करते हैं, जो कभी एक जे जाना तो बात छोड़ो, आजादी जंग के अंदर कभी हिस्सा नहीं लिया, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर अपनी उंगली नहीं कटाई, वो सत्ता बैठे रहे, तो पंडित जनों के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, वो हमारे चिंता विषय होना चाहिए। चिंता विषय हर नागरिक के लिए होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए। अभी सामने आधे घंटे मुश्किल से बात करी अपनी, ये खजाने हैं हमारे पास में, महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, या चाहे वो मौलाना अबुल्कलाम आजाद हो या अम्बेडकर हो, उस वक्त के बड़े बड़े जो दिग्गज थे, सुभाष चंद्र बोस हो, किस प्रकार जीवन जिया है, क्या सरकार की ड्यूटी नहीं होती कि वो आने वाली पीढ़ियों को गुमराह करने के बजाय उनकी क्या सेक्रीफाइस थी, क्या त्याग थे, क्या बलिदान थे, किन माहौल में उन्होंने संघर्ष किया देश को आजाद करवाने के लिए, क्या उसकी नई पीढ़ी को शिक्षा दें या गुमराह करें, ये सोचने वाली बात होनी चाहिए। क्या गुमराह किया जाना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक हो, 25-30 साल पहले आया था, दूरदर्शन भी आया था, लंबा सीरियल था, वापस जरूरत ऐसे खूब सीरियल की, ये दिखने वाले हैं, ये लोग दिखने वाले हैं, ये लोग ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसी तरह ही झलक। मैं जब पढ़ने लगा, मैं बहुत कम पढ़ता हूं, वैसे मैं आपको खुला कहता हूं कि गांधी जी को मैंने बहुत कम पढ़ा, गांधी जी के मेरे विचार हो सकते हैं, उनकी जीवनी पढ़ कर, पर मैंने गांधी को स्टडी नहीं की हुई, ना मैंने पंडित नेहरू को स्टडी की है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मैंने उनकी जीवनी, तो मैंने पाया उसके अंदर कि मैं अगर पढ़ने लगूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में बैठे रहे और इंदिरा गांधी को पत्र लिख रहे बच्ची को, आप आगे बढ़ नहीं पाते, बार बार पढ़ना पड़ता, बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेरी नेचर है कि मैं खाली पढ़ता नहीं हूं, मैं उसमें क्या ढूंढ सकता हूं वो मैं कोशिश करता हूं, तब आगे बढ़ नहीं पाते। एक एक शब्द जो है, किस प्रकार किन परिस्थितियों में उनकी पत्नी बीमार है, या वो क्या जेल में है, या कब वो मर गई है, या कब मरने वाली है, या बीमार है, और वो व्यक्ति लिख रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अभी से चाहिए झलक जेल में बैठ करके, वो कर सकता है, पर उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है, ये स्थिति देश में बनी हुई है, उसको आप समझना पड़ेगा कि देश को कितने समय देना चाहते हैं। और वो हमारे लिए, मैं समझता हूं कि मेरी बार बार तो चिंता में से होना चाहिए देशवासियों के लिए भी। इसलिए आज कहना बड़ा आसान है, कहा उसके दूरदृष्टि थी, एम्स बना दिया, IIT लेके आ गए, भाभा एटॉमिक पावर केंद्र बना दिया, इस बात के कारखाने खड़े कर दे, आधुनिक मंदिर का नाम दिया उनको, बड़े बड़े बांध बना दिए उन्होंने, क्या नहीं किया उस वक्त में, कितना दबाव था अंतर्राष्ट्रीय उनके ऊपर, आप क्यों बना रहे हम बैठे हुए हैं, पंडित नेहरू की सोच थी, पाकिस्तान की तरह उन्होंने उनकी बातों में नहीं आए, दुनिया के मुल्कों की बातों में, आत्मनिर्भर देश कैसे बने, इस देश से बनाए गए, उनका फायदा देश को आगे मिल रहा है। गांधी जी का मैं पंडित नेहरू का कोट पढ़ रहा था, मैं मुझे याद आता कि इन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू ने समय को बीते सालों में न माप कर, इस बात में मापा जाना चाहिए कि आपके द्वारा क्या हासिल किया गया है,
आज जो मुल्क बना है उसको देखो कैसे बना है, जवाब है इनके पास में। आपने बनाया मुल्क, 5 साल में मुल्क बन गया, इसरो गए आप मंगल ग्रह पे छोड़ा गया उपग्रह, 4 महीने में उपग्रह छोड़ा गया, छोड़ने की स्थिति बन गई देश के अंदर। अरे 35 साल लगे इसरो बनाने के, लगे 35-40 साल लग गया। आप प्रधानमंत्री हो देश के, आपको सोचना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे लोगों को एडजस्ट कर रहा हूँ। पर ये माहौल बन गया, एक बार कोई कारणों से उसको आप कैश कर रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जरूरत है कि हम कैसे बाल साहित्य की मैंने बनाई अकेडमी नहीं, हम चाहेंगे पंडित नेहरू का विजन जो था दुनिया के लिए देश के लिए, उनके कर्तृत्व काम किए हुए थे, उनके उनकी सोच थी, उनको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी सरकार कर रहे हैं। अब मुझे खुशी है कि इस बार लोग खुद आगे आकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं लंबे अरसे बाद देख रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के इतने बड़े प्रोग्राम होने लग गए हैं, इसका मतलब जनता के लिए सफलता है। रॉबर्ट कॉमन सेंस में कोई मुकाबला नहीं हिंदुस्तानी लोगों का, कब वो फैसला क्या करती पता ही नहीं पड़ता। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, बदलने लगी थी जनता ने, पूरे साफ हो गए हिंदुस्तान के अंदर, एक शीरा नागोरी अगले शीरा जाते, और वापस आंधी चली उनकी, एहसास नहीं किया लोगों ने क्या हो गया, वापस प्राइम मिनिस्टर बन गए। ऐसी घटना कई बार देश में हुई है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, ये स्थिति जो देश में बनी हुई है उसको आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक किस्सा सुना, मैं बड़ी बात समाप्त करता हूं, कि मैं बचपन में देखा करता था भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के नाम से काम करती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा डैम बनाया, मतलब इनकी सोच क्या है बताऊं आपको, इनके पास हकीकत कुछ नहीं, इनकी विचारधारा, इनकी नीति, इनके कार्यक्रम कुछ नहीं है। कभी गौ माता के नाम पे पूंछ पकड़ के कहीं सत्ता में आओ ये कोशिश करी उन्होंने, कामयाब नहीं हुई। बड़े बड़े आंदोलन किए जमाने के अंदर, अभी राम मंदिर का आंदोलन देखा आपने, उसी ढंग के आंदोलन उस हुआ करते थे, गाय माता को देखो उसको भूल गए, बदलते रहते हैं लोग। एक किस्सा मुझे याद है कि भाखड़ा डैम जब बना तो ये बीजेपी वाले जो थे जनसंघ वाले, ये प्रचार करते थे हिंदुस्तान भर में, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिमाग खराब हुआ है, भाखड़ा डैम बनाया अब बिजली का बना रहा है, और बिजली का बना के जब पानी मेरी बिजली निकाल देगा तो पानी जो है वो काम कर दे रहे, खेतों में जाएगा वो काम ही नहीं करेगा पानी तो। ये वो लोग हैं, इस पर गुमराह करके ही लोग चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अभी एक घटना मैंने आपको बताई, ऐसी मैंने घटना और कहीं बता दी थी, इनका सोशल मीडिया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या लिखता मालूम आपको, जो मैंने बात कही कि जनसंघ वाले ऐसी बातें बोलते थे वो तो हटा दिया, ये लिख दिया अशोक गहलोत ये कह रहे हैं पानी मेरी बिजली निकल जाती है तो कोई काम का मन नहीं जाता, बता दिया। ये अभी 6 महीने पहले की बात है, तो मुझे दिल्ली में था, मुझे मालूम पड़ा, मुझे अचानक ही अभिलंब में जो है रिकॉर्डिंग निकलानी पड़ी, वापस फेसबुक देनी पड़ी, भैया ये लोग बहुत फर्जी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, कोई परवाह नहीं करेंगे। तब जाके वापस ट्रोल हुआ कि सही बात क्या है, ये सही बात ये है, ऐसे लोग हैं, इनके बारे में बोलने का काम है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत।